हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर पे सुरक्षित होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप सभी लोगों का SST क्लासेज में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं क्लास 10th के साइंस का वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, जो बहुत ही पहला चैप्टर है फिजिक्स का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं इसे एक एक टॉपिक का शुरू से लास्ट तक वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे शुरू से अंत तक देखिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। मेरा है पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डियर स्टूडेंट्स, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का परावर्तन का पहला हेडिंग है लाइट। लाइट क्या है? डियर स्टूडेंट्स, लाइट मीन्स होता है प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक है ना। आप ऊर्जा ऊर्जा को जानते ही हैं। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा वो होता है जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, जिसे देख नहीं सकते, वो हमारा ऊर्जा है। अब आप ये कहेंगे, सर हमने देखा है सफेद होता है, कोई कहेगा लाल होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसका अपना कोई रंग नहीं होता, कोई कलर नहीं होता। जिसमें से प्रकाश की किरणें निकलती हैं वो डिपेंड करता है उसके कवर पर। यदि वे सफेद कलर का है तो सफेद दिखाई देगा, लाल कलर का होगा तो लाल रंग की किरणें निकलेंगी। तो ये डिपेंड करता है कवरिंग पर, ठीक है ना। आप शादी विवाह में देखे होंगे झालर पट्टे लगे होते हैं, तो लाल, पियर, हरा, नीला, तमाम तरह की बल्ब जलती हैं, तो उसमें वो डिपेंड करता है कवरिंग पर। जबकि सही है कि प्रकाश स्वयं दिखता नहीं है, इसकी सहायता से हम दूसरी वस्तुओं को देखते हैं। क्लियर? तो प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों को संवेदित करती है। संवेदित करने का मतलब जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। होता क्या है स्टूडेंट, जब प्रकाश की किरण किसी दूसरे वस्तु पर पड़ती है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ एक आदमी खड़ा है, ये इसका नेत्र है, ठीक है ना। देखिए ये आदमी खड़ा है, ये इसकी नेत्र है। चलिए, हम आर्टिस्ट नहीं है जो हम अच्छा सा फिगर बना के समझा सकते हैं। हम फिगर बना रहे हैं समझने के लिए। इतना समझदार आप हैं, आप समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है, ठीक है, अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा। आपने टॉर्च जलाया, तो जब टॉर्च जलाया तो इसमें से प्रकाश की किरण इस पे पड़ी, तो कुछ जब पड़ेगी तो ये वस्तु ठोस है, ठीक है ना। ये वस्तु कैसी है? अपारदर्शी है, ईटा, लोहा, सुई, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ किरण जब इस पे पड़ी तो कुछ इधर हो गया, कुछ इधर हो गया, कुछ इधर हो गया, कुछ इधर हो गया। कुछ किरणें ऐसी भी होंगी जो इधर जाएंगी, ठीक है ना, टकराएंगी, कुछ इधर उधर तमाम तरह जाएंगी, लेकिन कुछ किरणें ऐसी भी होंगी जो ऐसे इधर जाएंगी, ठीक। इस तरह से किरणें परावर्तित हो जाएंगी, लेकिन कुछ किरणें ऐसी भी होंगी जो मेरे नेत्र में प्रवेश करेंगी। तो ये जब जाएंगी तो मेरा जो मतलब है, जब नेत्र में प्रवेश करेंगी तो ये वस्तु हमें दिखाई देगा। तो इस तरह से प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो पढ़ने के बाद परावर्तित होती हैं, जो मेरे नेत्र में प्रवेश करती हैं, और ये इसका उल्टा इमेज जाके मेरे रेटिना पे बनता है। ये आप पढ़ेंगे मानव नेत्र में, और जिसके बाद वह वस्तु हमें अनुभव द्वारा सीधा दिखाई देता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश की किरण जब वस्तु में पड़ती है तो प्रकाश की किरण वहां से परावर्तित होती है, मेरे नेत्र में प्रवेश करती है और वस्तु हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि प्रकाश जो होता है यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे नेत्रों को संवेदित करती है, अर्थात इसकी सहायता से हम किसी दूसरे वस्तु को देख सकते हैं। क्लियर? हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है, अब ये प्रकाश आता कहां से है? तो प्रकाश जहां से आता होगा उसका कोई अपना स्रोत होता होगा। अब स्रोत क्या है? स्रोत मतलब ऐसा स्थान या ऐसा वस्तु, ऐसा स्थान या वस्तु जहां से किसी वस्तु की प्राप्ति होती है, उसी को स्रोत कहते हैं। इसको तो आप क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। कोई वस्तु या स्थान जहां से किसी चीज की प्राप्ति होती है, उस वस्तु या स्थान को हम क्या कहते हैं? उसका स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु की प्राप्ति होती है उस वस्तु का स्रोत कहते हैं। तो हमें लिखना है प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, ठीक है ना, प्रकाश का स्रोत, ठीक, प्रकाश का स्रोत। इसका इंग्लिश क्या है? इसका इंग्लिश है सोर्स, लाइट सोर्सेस, या लाइट ऑफ सोर्स, या सोर्स ऑफ लाइट, या लाइट सोर्सेस भी लिख सकते हैं।
LIGST लाइट सोर्सेस, SOURCES, ठीक, लाइट सोर्सेस, ठीक, ये हो गया प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत क्या है? अब इसके पहले देखिए आप सोर्स मतलब जो है प्रकाश, मतलब आप स्रोत की परिभाषा जानते हैं, वह वस्तु या स्थान जहां से किसी वस्तु की प्राप्ति होती है, किसी दूसरे वस्तु की प्राप्ति होती है जिस स्थान या वस्तु से, उस स्थान या वस्तु को, उस स्थान या वस्तु को क्या कहते हैं? हम स्रोत कहते हैं। तो हमें प्रकाश का स्रोत लिखना है, तो प्रकाश के स्रोत का इजी सिंपल सा परिभाषा हो गया, ठीक है ना? क्या परिभाषा हो गया? जिससे हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है, जिससे हम इस तरह से भी सकते हैं, जिससे हम प्रकाश को प्राप्त करते हैं, को जिससे हम प्रकाश को प्राप्त करते हैं उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं, ठीक है ना? जिससे प्रकाश प्राप्त होती है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अब इस तरह से जैसे मान लीजिए हमारा बल्ब है, बल्ब से भी हमें हमें प्रकाश मिलती है, अंधेरा है, बटन को ऑन किए पूरा कमरे में उजाला हो गया, लंटेन है, ठीक, मैनटूल है, गैस है, ठीक, उसके बाद में हमारा इस तरह से ढेर सारे हैं, मोमबत्ती है, तो ऐसे ढेर सारे चीज हैं, सूर्य है, ठीक, फिर चंद्रमा भी है। तो अब यहाँ यदि हम देखें तो देखने से पता चलता है कि लाइट ऑफ सोर्सेज भी दो तरह के हैं। जैसे जैसे मान लीजिए बल्ब है, बटन को हमने ऑन किया तो बल्ब खुद से प्रकाश की किरणों को निकालता है। कैंडल को हमने जला दिया तो कैंडल में से खुद से प्रकाश की किरणें निकलती हैं। सूर्य है तो सूर्य में से खुद से सूर्य की किरणों में से सूर्य से सूर्य की किरणें खुद से निकलती हैं, अपने आप से निकलती हैं, सूर्य निकालता है। चंद्रमा है, चंद्रमा देखिए आप जब रात में चंद्रमा जब आकाश में दिखाई देता है तो हमें उजाला होता है, लेकिन हम जानते हैं कि चंद्रमा में स्वयं की चमक नहीं होती है, उसमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं, और पड़ती हैं तो वहां से रिफ्लेक्शन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, जिससे कारण हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। जैसे हमारे कांच हो गए या हीरा हो गया, प्रकाश की किरणें पड़ती है और प्रकाश की किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ये सब आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। जब हीरे में कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो प्रकाश के किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण से हीरा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन रियल में यह है कि जो चंद्रमा है उसका अपना कोई चमक नहीं होता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहां इस तरह से लिख सकते हैं, प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के हैं, ठीक है ना? दो प्रकार के हैं, कौन कौन है? नंबर फर्स्ट है दीप्त प्रकाश स्रोत, मतलब जिसमें खुद की चमक होती है, ल्यूमिनस सोर्सेस, ठीक है ना, दीप्त प्रकाश सोर्स, ठीक, दीप्त प्रकाश स्रोत नंबर फर्स्ट है दीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक, इसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस, LUMINOUS, ल्यूमिनस सोर्सेस, SOURCES। सेकंड है आदित्य प्रकाश स्रोत, आदित्य प्रकाश स्रोत, ठीक है ना, आदित्य प्रकाश स्रोत। नॉन लुमिनस सोर्सेस, ठीक। तो पहला हेडिंग हम डालते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत
दीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक, लुमिनस, एल यू एम आई एन ओ यू एस, सोर्सेस, ठीक। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है? वे प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं, जो स्वयं प्रकाश को, जो स्वयं प्रकाश, जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न उत्पन्न करते हैं उसे, उत्पन्न करते हैं उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। दीप्त प्रकाश, दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है ना, दीप्त प्रकाश स्रोत कहते कहते हैं, ठीक। बात समझ में आई? चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में फिर दूसरा हम देखते हैं, ठीक। दूसरा है हमारा, चलिए यहाँ नीचे जगह है दूसरा, अब इसका है, हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण के लिए, उदाहरण जैसे हम ले लेते हैं, चलिए लिखते हैं, जैसे 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 हमारा है विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब। अब आप जानते हो जैसे ही हमने बटन को ऑन किया तो बल्ब में से स्वयं प्रकाश की किरणें निकलती हैं, कहां से, बल्ब से, तो ये दीप्त प्रकाश स्रोत हो गया। इसी तरह से हो गया मोमबत्ती, कैंडल जिसे बोलते हैं, मोमबत्ती को हमने जलाया तो स्वयं से प्रकाश की किरणें उसमें से निकलने लगती हैं। और इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर प्रकाश की किरणों का मुख्य स्रोत, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। तो एक हो गया सूर्य, ठीक है ना, इस तरह से लिख देते हैं। आज ढेर सारे हैं, कहां तक आप लिखेंगे, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर, दूसरा नंबर है नॉन लुमिनस सोर्सेस आदित्य प्रकाश स्रोत, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आदित्य प्रकाश स्रोत, ठीक, आदित्य प्रकाश स्रोत, आदित्य प्रकाश स्रोत सेकंड है हमारा, आदित्य, आदित्य प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, ठीक, आदित्य प्रकाश स्रोत नॉन लुमिनस, एम आई एन ओ यू एस, नॉन लुमिनस सोर्सेस, एस ओ यू आर सी ई एस, नॉन लुमिनस सोर्सेस क्या है, ठीक। अब इसका परिभाषा क्या होगा? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते, जो जो स्वयं, जो स्वयं प्रकाश, जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न, उत्पन्न नहीं करते बल्कि प्रकाश का, प्रकाश को परावर्तित करके, प्रकाश को परावर्तित करते हैं, करके चमकते हैं, चमकते, जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करते बल्कि प्रकाश को परावर्तित करके चमकते हैं, चमकते हैं कामा, उन्हें आदित्य प्रकाश स्रोत कहते हैं, आदित्य प्रकाश स्रोत कहते हैं, आदित्य, आदित्य प्रकाश स्रोत, आदित्य प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसे पिंड जिनमें स्वयं प्रकाश की, प्रकाश नहीं उत्पन्न करते, जिनमें स्वयं प्रकाश का गुण नहीं होता है, लेकिन यदि उनमें प्रकाश की किरणें पड़ती हैं उन पर, तो प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, जिसके कारण से ऐसा लगता है कि उसमें से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, जैसे क्या है हमारा, जैसे हमारा है कांच, कांच से जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो कांच हमें चमकता हुआ दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि इसमें से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, लेकिन रियल में क्या है कि उसमें से प्रकाश की किरणें नहीं निकलती। डियर स्टूडेंट,
प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और उससे टकराकर वापस आ जाती हैं, जिसके कारण हमें वो चमकता हुआ दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि इसमें से प्रकाश की किरण आ रही है, जबकि सही ये नहीं है, बल्कि प्रकाश के परावर्तन के कारण ऐसा होता है। दूसरा हमारा है चंद्रमा। अब आप जानते हैं आदि, चंद्रमा में स्वयं प्रकाश का गुण नहीं होता, चंद्रमा स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता, बल्कि होता क्या है, जब सूर्य के प्रकाश की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं तो वहां से रिफ्लेक्ट होती हैं और रिफ्लेक्ट होकर हमारे पृथ्वी पर आती हैं, जिसके कारण से हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सही यह है कि चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, स्वयं प्रकाश की किरणों को उत्सर्जित नहीं करता। तो इस तरह से कांच हो गया या चंद्रमा हो गया, ये हमारा क्या है, आदित्य प्रकाश स्रोत है। चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हम आपका नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो कल बनाएंगे और हम चाहेंगे कि आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच जो आपने मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दिया और दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।